हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि होमोजाइगस और होमोजीनियस, हेटरोजाइगस और हेटरोजीनियस में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली ये जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे होमोजाइगस और होमोजीनियस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब जो होमोजाइगस होता है, होमोजाइगस का मतलब होता है कि इंडिविजुअल कंसेप्ट है ये। हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात करें, ठीक है। सपोज़ करो जैसे कि हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम पे ये दो एलील्स हैं, ठीक है। एक ये क्रोमोसोम है और हमारे पास एक ये क्रोमोसोम है। इन दोनों क्रोमोसोम पे ये एलील्स हैं, एक पे ये और एक पे ये, यहाँ पे ग्रीन एलील है। अब क्या होगा कि जो हमारे पास जो ये पेयर है ये होमोजाइगस है, ठीक है। क्योंकि हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो ये होमोजाइगस है। क्यों? क्योंकि इसके पास सेम एलील्स हैं, ठीक है। और ये हेटरोजाइगस है क्योंकि इसके पास डिफरेंट एलील्स हैं, ठीक है। तो ये होता है होमोजाइगस। जाइगस का मतलब हो गया इंडिविजुअल। हम किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, मतलब कि जिसके पास सेम या लाइक एलील्स हों उसे होमोजाइगस कहते हैं। और ये नॉन सेग्रीगेटिंग है। नॉन सेग्रीगेटिंग का मतलब क्या होता है कि ये आगे जाके सेग्रीगेट नहीं होगा, ठीक है। अब बात करेंगे होमोजीनियस की। होमोजीनियस क्या होगा कि एक पॉपुलेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे होमोजाइगस में हम एक की बात कर रहे थे, इंडिविजुअल की। होमोजीनियस में हम पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जेनेटिकली सिमिलर होगी। जैसे सपोज़ करो कि एक फील्ड है, इसमें हमने क्रॉप ग्रो किया है। अब वो पूरी क्रॉप की जो हाइट है वो यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो क्रॉप है हमारी वो होमोजीनियस है, ठीक है। होमोजीनियस पॉपुलेशन है हमारे पास की, वो पूरी इवन है। उसकी जो हाइट है वो एकदम बराबर है सारे प्लांट्स की। हम दूर से उस फील्ड को देखेंगे तो वो फील्ड की जो है, फील्ड में कुछ भी अनइवन नहीं होगा, सब कुछ इवन होगा। पूरी सबकी प्लांट की हाइट्स जो है इवन होगी। तो दैट मीन्स कि हमारी वो पॉपुलेशन जो है होमोजीनियस पॉपुलेशन है, ठीक है। जैसे कि प्योर लाइन इसका एक एग्जांपल है, ओके। देन नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट है हेटरोजाइगस और हेटरोजीनियस। अब ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। होमोजाइगस का मतलब कि हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, और होमोजीनियस मतलब कि हम एक पॉपुलेशन, पर्टिकुलर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही बात है कि एक हमारे पास क्रोमोजोम है और उसकी एक एलील, यहाँ पे ये एलील है और दूसरी एलील उसके पास ये है। तो ये जो है ये हम क्या कहेंगे कि हेटरोजाइगस है। क्यों? क्योंकि इसकी जो एलील्स हैं वो डिफरेंट एलील्स हैं, ठीक है। मतलब ये इंडिविजुअल एलील्स, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है विद अनलाइक एलील्स, मतलब इसकी एलील्स जो है वो डिफरेंट होंगी। और ये आगे जाके सेग्रीगेट भी हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसे फर्दर क्रॉसिंग में यूज़ करेंगे तो ये आगे जाके सेग्रीगेट हो जाएगी, ठीक है। और वही वहाँ पे बात करें हम लोग होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया कि ये एक पॉपुलेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अब अगर हमारे पास एक कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, एक फील्ड है, फील्ड में हमने क्रॉप्स ग्रो की। अब वो क्रॉप की हाइट जो है अनइवन है, ठीक है, यूनिफॉर्म हाइट के प्लांट्स नहीं है हमारे पास, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो पॉपुलेशन हमारी हेटरोजीनियस पॉपुलेशन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कंपोजिट वैराइटीज़। कंपोजिट वैराइटीज़ में क्या होगा कि डिफरेंट, बहुत सारी हम डिफरेंट वैराइटीज़ को जब कलेक्ट कर देते हैं, एक साथ ले लेते हैं, तो उसे कंपोजिट वैराइटीज़ कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन में इनके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा था होमोजाइगस, अलग से पढ़ा था कि होमोजाइगस क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है। वैसे अगर हम इनके कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर होमोजीनियस और होमोजाइगस का कॉम्बिनेशन हो तो क्या होगा। जीनियस मैंने आपको बताया था कि जीनियस बोला था कि ग्रुप में होता है, मतलब पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, और जाइगस मतलब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस और होमोजाइगस पॉपुलेशन कैसी होगी, मतलब देखने में वो पॉपुलेशन इवन होगी, और जो उसके इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसके जो जीन्स और एलील्स है वो भी सिमिलर एलील्स के होंगे, है ना। तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारे फील्ड की जो पॉपुलेशन की, सपोज़ करो मैं आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ, जैसे हमारे पास एक फील्ड है, उस फील्ड की जो हाइट है हम लोग
फील्ड में हाइट की, प्लांट हाइट की बात लेकर चलेंगे। सभी एग्जांपल्स को हम इसी बेसिस पे समझेंगे, ठीक है। तो अगर फील्ड में प्लांट हाइट की बात करें तो होमोजीनियस है, मतलब क्या होगा कि पूरे प्लांट्स की हाइट यूनिफॉर्म हमें दिखेगी अगर हम फील्ड की फील्ड को देखेंगे। और होमोजाइगस मतलब कि हर एक प्लांट का जो जीन्स है, जो एलील्स है, वो सिमिलर होंगी। मतलब क्या होगा कि जो जेनेटिकली तो वो सिमिलर होगी होगी पॉपुलेशन, और वो नॉन सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन भी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे होगा इसका, प्योर लाइन या इनब्रिड लाइन्स। इसमें क्या, प्योर लाइन की पॉपुलेशन भी अगर हम दूर से देखेंगे फील्ड को, प्योर लाइन फील्ड्स को, तो वो होमोजाइगस पॉपुलेशन होगी उसकी। और प्योर लाइन को जब हम फर्दर क्रॉसिंग प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो उसकी प्रोजनी आगे जाके सेग्रीगेट नहीं होगी, ठीक है, उसकी प्रोजनी सेम ही रहेगी, ठीक है। जैसी पेरेंट्स की पॉपुलेशन होगी वैसे प्रोजनी पॉपुलेशन भी सेम रहेगी, आगे जाके वो सेग्रीगेट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें होमोजीनियस और हेट्रोजाइगस। होमोजीनियस मतलब क्या हो गया कि हम ग्रुप की बात करें तो जो जेनेटिकली तो वो सिमिलर होंगे वो, ठीक है, मतलब कि जो एलील्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है, और जो उसकी पॉपुलेशन देखेंगे हम वो पॉपुलेशन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। मतलब कि जो उसकी सेग्रीगेशन होगी जब हम उसे सेल्फिंग करेंगे तो वो पॉपुलेशन आगे जाके सेग्रीगेट करेगी। क्यों? क्योंकि जो हम क्योंकि जो हमारे हम यहाँ पे हेट्रोजाइगस की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल हमारा हेट्रोजाइगस है। मतलब क्या होगा कि पॉपुलेशन जो आगे जाके सेग्रीगेट करेगी, जैसे कि F1 हाइब्रिड्स। F1 हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड, ये हमें पता है कि जब भी हम किसी भी क्रॉप का हाइब्रिड यूज़ करते हैं तो हाइब्रिड सीड्स हम हर साल नया सीड लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पॉपुलेशन आगे जाके सेग्रीगेट करती है। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होगा कि सपोज करो अगर हमारे पास एक पेरेंट प्लांट्स है, ये दो पेरेंट अच्छे डिजायरेबल गुड सिलेक्टिव मतलब एक गुड कैरेक्टर्स के हमारे पास पेरेंट्स हैं, उनसे हमने क्रॉस करने के बाद अगर F1 जनरेट की, तो F1 को अगर हम इसे एज ए सीड ग्रो करेंगे तो ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। पर जब हम इसी सीड को अगले साल फिर से यूज़ करेंगे हाइब्रिड को, तो इसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, ये सेग्रीगेट कर देगी इसकी पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो प्लांट की हाइट इक्वल रहेगी, सेम रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। और अगर इस हाइब्रिड में डिजीज़ रेजिस्टेंस करेक्टर भी है तो वो करेक्टर भी इसका सेग्रीगेट कर जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो इसकी परफॉर्मेंस F1 की परफॉर्मेंस जो थी वो आगे जाके F1 की प्रोजनी की सेग्रीगेशन के बाद वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये होता है कि सेग्रीगेट हो जाती है पॉपुलेशन आगे जाके, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो गया कि होमोजीनियस है और हेट्रोजाइगस है। मतलब क्या होगा कि पॉपुलेशन देखने में तो हमें यूनिफॉर्म लग रही है, जैसे हम इसकी प्लांट हाइट का एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो पॉपुलेशन फील्ड की पॉपुलेशन देखने में तो हमें सेम लग रही है, पर जो इंडिविजुअल प्लांट का जेनेटिक मेकअप है वो सिमिलर नहीं है, मतलब जो उसकी एलील्स है वो डिफरेंट है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इस होमोजाइगस और होमोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजाइगस और होमोजीनियस। जैसे एग्जांपल इसका हमने देखा F1 हाइब्रिड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनस और होमोजाइगस। हेट्रोजीनस और होमोजाइगस मतलब जो पॉपुलेशन है वो डिसिमिलर होगी, पर जो उसकी इंडिविजुअल जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है वो सिमिलर, मतलब वो उनकी जो एलील्स है वो मतलब सेम होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे होगा कि पॉपुलेशन नॉन सिमिलर है, मतलब जेनेटिकली देखें तो उसका डिसिमिलर पॉपुलेशन होगा हमारे पास। मतलब अगर हम दूर से देखेंगे जेनेटिकली या फिनोटिपिकली हम देखेंगे तो जो पॉपुलेशन है वो हमारी सिमिलर नहीं दिखेगी, हमें अनइवन होगी। पर अगर इंडिविजुअल बेसिस पे बात करेंगे और उसे फर्दर सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन उसकी नहीं होगी, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि एग्जांपल जैसे मल्टी लाइन है, मल्टी लाइन में क्या होता है कि हम डिफरेंट आइसोजेनिक लाइंस के मिक्सचर को जब लेते हैं तो उसे मल्टी लाइंस कहते हैं ना, उसी तरह से ये हेट्रोजीनियस है और होमोजाइगस है। मतलब कि पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे तो वो अनइवन होगी, पर जो उसकी इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वो होमोजाइगस है, मतलब आगे जाके वो उसकी पॉपुलेशन सेग्रीगेट नहीं होगी। ये आपको एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे और ये कंसेप्ट भी माइंड में याद रखना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद हेट्रोजाइगस और हेट्रोजीनियस, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसका मतलब क्या हो गया, जब हमारे पास ये कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा कि हेट्रोजीनियस और हेट्रोजाइगस दोनों यहाँ पे हेट्रो है, मतलब कि पॉपुलेशन जो है वो भी अनइवन होगी और जो इंडिविजुअल एलील्स होंगी वो भी अनलाइक होगी। मतलब क्या होगा कि जेनेटिकली तो डिसिमिलर होंगे, साथ में उसकी जो पॉपुलेशन है वो भी सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन होगी, मतलब कि जब उसे आगे क्रॉस करेंगे तो उसकी पॉपुलेशन आगे जाके सेग्रीगेट कर देगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल्स भी याद रखना, कंपोजिट वेराइटीज़ और सिंथेटिक वेराइटीज़, ओके।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको कोशिश की समझाने की. अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहेगी तो प्लीज़ आस्क दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. तो आप लोग एक बार इस चीज़ को फिर से रिवाइज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है. आप जितनी बार बार इसे पढ़ेंगे वैसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं एग्जांपल लेके. तो अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इसी तरीके से मैं आपके लिए नेक्स्ट कोई अच्छी वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगी. थैंक यू.